हाँ बोलिए। फ्रेंड्स, हमें इतनी आसानी से तो परमिशन मिलेगी नहीं, मक्खनबाजी करनी पड़ेगी। हम बीड अंकल की इतनी तारीफ करेंगे कि बीड अंकल खुश होकर पार्टी की परमिशन दे ही देंगे। चलो चलो, रुको, मगर एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी बीड अंकल के सामने ऐसी बात मत करना जिससे उनका मूड खराब हो जाए। हाँ। ए, फिर तो तुझे सबसे पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। तुझे पता है ना, तुझे बीड अंकल का मूड खराब करने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तेरा सिर्फ चेहरा दिख जाता ना तो उनका मूड खराब हो जाता है। चलो ठीक है, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग बीड अंकल। गुड मॉर्निंग बीड अंकल। गुड मॉर्निंग। क्या आज का सुविचार? बुरी आदतें अच्छे समय को बुरा कर देती है, अच्छी आदतें बुरे समय को अच्छा कर देती है। ये तो टंग ट्विस्टर है। बुरी आदतें अच्छे समय को बुरा कर देती है और अच्छी आदतें बुरे समय को अच्छा कर देती है। इसके लिए तो आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए बीड अंकल। फ्रेंड्स, तुम्हें पता है मैं बीड अंकल से रोज इतना इंस्पायर होता हूँ ना कि क्या बताओ। कभी कभी मुझे ही लगता है कि मैं भी सुविचार लिखना चालू कर दूं। हाँ तो गोया बोल दो ना, तुम्हारे मन में क्या सुविचार है, अगर वो अच्छा लगा तो इसको मिटा के मैं वो लिख दूंगा। नहीं बीड अंकल, मैंने बोला ना, जब मन होता है तब। अभी मन नहीं है, कल मन था। अच्छा, तो कल मन में कौन सा सुविचार आया था? हाँ, घर का खाना खराब पेट को अच्छा कर देता है और जंक फूड अच्छे पेट को खराब कर देता है। लेकिन तुम लोगों को पता है फ्रेंड्स, ये सब मैं किससे सीखा हूँ? किससे? बिलवेड उस्ताद आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, मैं तो कहता हूँ कि आप अपने सुविचार ना सोसाइटी में हर जगह लिख दीजिए, ताकि आपका सुविचार पढ़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों का उद्धार हो। हाँ हाँ, सही कहा टप्पू, बीड़े अंकल के सुविचार की वजह से ना मेरे लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए। वाह, अच्छा गुरुचरण जी, तो जरा एक सुविचार बताइए कि जिससे आपके जीवन में बदलाव आया हो। आपका एक सुविचार ठंड में बहुत काम आता है। ठंड में? हाँ, इंसान को अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर। हाँ? ये सुविचार पढ़ने के बाद मैंने एक बार भी ठंड में सोते समय अपने पैर चादर से ज्यादा लंबे नहीं किए। ना मैंने मेरे पैर चादर से बाहर निकाले, ना ठंड से मेरी नींद खुली। वाह 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 वाह, जिस तरह से तुमने मेरे सुविचारों की धज्जियां उड़ाई है ना, मैं समझ गया कि तुम लोग मेरे सुविचार सीरियसली पढ़ते ही नहीं हो। नहीं 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 भिड़ अंकल, हम आपके सुविचार एकदम सीरियसली पढ़ते हैं, और तो और हम हमारे कॉलेज में हमारे फ्रेंड्स के साथ भी ये सुविचार डिस्कस करते हैं, है ना, है ना फ्रेंड्स? हाँ हाँ हाँ। ओहो, मतलब कॉलेज में जाकर भी धज्जियां उड़ाई जाती है। बस अभी ये नौटंकी बंद करो, मुझसे जरूर कुछ काम होगा इसलिए मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो ना, और ये प्लान जरूर टप्पू का ही होगा। क्यों टप्पू, तुमने ही किया ना? अभी क्या किया टप्पू ने? तुम्हारा टप्पू मेरी तारीफ कर रहा था। टप्पू बेटा, क्या कर रहा है तू? जब भिड़े अंकल को तारीफ नहीं पसंद है तो क्यों कर रहा है तू? बस बोल दिया उसको, अभी वो तेरी तारीफ नहीं करेगा, तेरी बुराई करेगा बस। ओ जेठालाल, मुझे तारीफ से प्रॉब्लम नहीं है, झूठी तारीफ से प्रॉब्लम है। ये टप्पू से ना कब से मुझसे काम निकलवाने के लिए मेरी झूठी तारीफ कर रही थी, और ये झूठी तारीफ करने का प्लान टप्पू ने किया होगा। होगा मतलब सब अनुमान पे चल रहा है। अरे भाई, तुझे क्या प्रॉब्लम क्या है टप्पू से? पापा, अरे नहीं नहीं बेटा, टप्पू सेना में बेटा इतने सारे लोग हैं, लेकिन भिड़े अंकल को सिर्फ तू ही दिखता है। बरोबर है जेठालाल, इतने सारे लोगों में कुरापति दिमाग टप्पू का ही है। कुरापति? हाँ। नहीं नहीं नहीं, टप्पू का दिमाग कुरापति अच्छी बात नहीं है, तो एकदम संस्कारी छोकरा है। आपला तो बाबिया है, दूसरे जैसे कार्टी। ए ए, शिविया दो नको। शिवी कौन देता है? पापा पापा, प्लीज आप भिड़े अंकल से झगड़ा मत कीजिए, अगर उनका मूड खराब हो गया तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी। हाँ। आ, देखा देखा जेठा, देखा, मतलब मुझसे परमिशन चाहिए थी इसलिए मेरी झूठी तारीफ हो रही थी। बेटा अभी से क्या है तुझे, समय आने पर मैं दिलवा दूंगा तुझे परमिशन। पापा, आप
कौन से परमिशन की बात कर रहे हैं? हाँ जेठालाल, कौन से परमिशन की बात कर रहे हो भाई? एक मिनट, तू कौन से परमिशन की बात कर रहा है टप्पू? साल की न्यू ईयर पार्टी की। ओह अच्छा, तो तुम कौन से परमिशन की बात कर रहे थे? हाँ मैं? हाँ तुमने बोला ना अभी, समय आने पर दिलवा दूंगा। पता नहीं मैं तो ऐसे ही बोला, कुछ होगी परमिशन तो दिलवा दूंगा ऐसे। अरे वो छोड़ने, हाँ तो बेटा तुझे न्यू ईयर पार्टी की परमिशन चाहिए? नहीं मिलेगी। अरे बाहर माहौल क्या है, ऐसे में तुम लोग को न्यू ईयर पार्टी की परमिशन चाहिए? देखो मैंने गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी होने के नाते ये डिसाइड किया है कि इस साल कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी।